राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर द्वारा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड से महानगर में पूरे गणवेश में विराट पथ संचलन किया गया, जिसके संबंध में सह विभाग के संघ चालक आत्मा सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों में निरंतरता बना रहे इसलिए पथ संचलन का आयोजन होता है। पथ संचलन में समाज के बीच में चलना होता है, इससे अनुशासन झलकता है, क्योंकि 9 वर्ष में पथ संचलन नहीं निकल पाया था, इसलिए अब निकाला गया है, जो कि एमपी इंटर कॉलेज से लेकर पथ संचलन करते हुए गणेश चौराहा, विजय चौराहा, अग्रसेन तिराहा, रेती चौक, कचहरी चौराहा होते हुए जिला पंचायत के सामने समाप्त हो गया। ये परंपरा प्रारंभ हुई है, जब उत्सव प्रारंभ हुए होंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई घटनाक्रम रहा होगा, और इसलिए उत्सव मनाने के पीछे हमारी एक दृष्टि है। वो दृष्टि समाज और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए जो हमारी महान संस्कृति है उसका पोषण करने वाली है, और इसलिए वो उत्सव मनाने के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। वर्ष प्रतिपदा का उत्सव एक संकल्प का उत्सव है, संकल्प लेने का उत्सव है। आराम से। ये संकल्प का दिन है, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके अंदर प्रारंभ में इस उत्सव के साथ में जो जुड़ा हुआ विषय है, ईश्वर तो एक है, ईश्वर निराकार आनंद में निमग्न हो रहे थे, उनके अंदर ये भाव आया मुझे अनेक रूप में प्रकट होना है, मन के अंदर संकल्प आया, संकल्प आते ही वो सृष्टि के रूप में प्रकट हो गया, और इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये सृष्टि के आरंभ का दिन है, उदय का दिन है। अब सृष्टि का आरंभ कब हुआ, कितने दिन पहले हुआ, बंधु अभी एक गीत हम सब लोग सुन रहे थे, गीत सुनते सुनते मेरे मन में भी एक प्रश्न आया, और हम तो सब स्वयं सेवक हैं, आंख खोल करके कान खोल करके हर क्षण रहते हैं, हमारे मन में भी प्रश्न आता है। गीत के अंदर था, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। तो जो प्रश्न खड़ा होता है वो प्रश्न ये खड़ा होता है कि किस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, जिस दिन अर्थात किस दिन सोया राष्ट्र जगेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि हमें गौरव से जीने का भाव जगाना है तो अपने अंतर मन में राष्ट्र भक्ति के बीज को रोपित करना पड़ेगा, पल्लवित करना पड़ेगा, पुष्पित करना पड़ेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवक में निरंतर अनुशासन बना रहे इसके लिए पूर्ण गणवेश में पथ संचलन का आयोजन होता है। पथ संचलन समाज के बीच में चलना रहता है, इसलिए संघ का स्वयंसेवक अपनी पूरी तैयारी गणवेश की करता है। गणवेश बिल्कुल नीट एंड क्लीन पहनकर सड़क पर संचलन करते हुए निकलता है, उससे अनुशासन झलकता है। साथ ही हमारा परंपरागत कार्यक्रम है, हम वर्ष में एक दो बार कम से कम ये संचलन पूर्ण गणवेश में निकालते हैं। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या? आज चूँकि 9 वर्ष पर संचलन नहीं निकल पाया था, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज का ये महानगर के दोनों भागों का संचलन पूर्ण गणवेश में यहीं महाराणा प्रताप कॉलेज से निकलकर और यहां से चेतना तिराहे होकर गणेश होटल होते हुए विजय चौक होकर, विजय चौक से फिर बैंक रोड होते हुए अग्रसेन चौराहा, बख्शीपुर, नखास, रेती चौक,
माया बाजार होते हुए घुस कंपनी रोड और वहां से जिला चिकित्सालय होकर फव्वारे से होते हुए पुनः इसे प्रांगण में वीआईपी गेट से प्रवेश यहां समाप्त होगा हमारा संचालन। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के रैली के माध्यम से? आज के रैली का मुख्य उद्देश्य रैली नहीं है, ये पथ संचलन है। पथ संचलन स्वयं सेवक के अनुशासन की सिद्धता उससे ज्ञात होता है। हमारे संघ के स्वयं सेवक अपनी इस कार्यक्रम के लिए तैयारी करते हैं, सदैव पूर्ण गणवेश को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने का काम। दंड सहित, दंड संघ का शस्त्र है, इसलिए दंड सहित पथ संचलन निकलेगा। आत्मा सिंह, सह विभाग संघ चालक, गोरखपुर।